ये बादशाह शाहजहां का मूर्ति है। सामने ये ताजमहल के अंदर जाने का मेन गेट है। हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल। अगर आप लोग ताजमहल आने के लिए सोच रही हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग दूर से ताजमहल देखने के लिए आ रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूरी सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। क्या टिकट का प्राइस है, क्या चीज़ अंदर लेके जा सकते हो, कौन सा ताजमहल का टाइमिंग है ताजमहल घूमने आने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करती हूँ टिकट काउंटर तक पैदल जाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा। गेट पर गाड़ी का भी सुविधा है। गाड़ी में जाने से एक लोगों का 20 रुपया लगता है और 5 मिनट लगेगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो ताजमहल घूमने के लिए तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप लोग पैदल ही जाइएगा, क्योंकि बाहर की जो हरा भरा खूबसूरत नज़ारा है देखते हुए जाइएगा। अभी हम पैदल ही जा रही हूँ टिकट काउंटर तक। बाहर बच्चों का थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मिल जाता है। यहाँ पे मेरा दोनों बच्चियाँ शुगर कैंडी खा रही है। ताजमहल के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है, तो अगर आप लोगों के बच्चों को कुछ खाना है तो बाहर ही खिला दीजिएगा। तो अभी आके पहुँच गई हूँ टिकट काउंटर। तो अभी बात करती हूँ टिकट के प्राइस के बारे में। जो इंडियन के लिए प्राइस है 50 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़ जो टिकट है, वो ताजमहल के अंदर शाहजहां और मुमताज़ के जो कब्र है उसे देखने के लिए लगते हैं। अगर आप सिर्फ 50 रुपीज़ का टिकट करते हो तो आपको हर एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ दोनों का जो कब्र है वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप पहली बार ताजमहल घूमने के लिए आ रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप प्रॉपर 250 का टिकट करें, ताकि पूरा जो ताजमहल है वो आप देख सकें। यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होता है, मेरा हो गया है, बच्चों के पापा का वेट कर रही हूँ। तो आप बात करती हूँ क्या क्या चीज़ आप अंदर लेके जा सकते हो। आप मोबाइल फ़ोन कैमरा साथ में ले जा सकते हो, लेकिन खाने पीने का सामान ले जाने का अलाउ नहीं है। अगर आप कुछ सामान साथ में ले आए हो तो गेट में लॉकर है, वहाँ जमा करके पूरा ताजमहल घूम के जाते टाइम लॉकर से सामान लेके जा सकते हो। यहाँ पे सामान प्रॉपर तरीके से सिक्योर रहता है। तो अब बात करते हैं ताजमहल के टाइमिंग के बारे में। ताजमहल का जो टाइमिंग है, सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है। आप लोगों को बता दूँ, ताजमहल का 3 गेट है, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट और साउथ गेट। जो एंट्री और एग्जिट है वो ईस्ट गेट से होती है। एक गलती जो हमने किया, आप लोग ना करें, इसके लिए बता रही हूँ। अगर आप लोग समर वेकेशन के टाइम पर ताजमहल घूमने आने के बारे में सोच रही हो तो साथ में साटा ज़रूर लाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहती है और धूप की वजह से बच्चों को बहुत परेशानी हुई। ताजमहल के बाहर ये आप लोग देख रहे हो रेड कलर की बलुआ पत्थर से निर्मित ये कमरे। कहते हैं कि ये सब कमरे उस जमाने में कारीगरों के रहने के लिए बनाया गया था। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा, हम आगे चल के ऐतिहासिक ताजमहल दिखाते हैं। जो दरवाज़ा आप लोग देख रहे हो ये शाही दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं, और ये है शाही दरवाज़ा। इस दरवाजे से ही अंदर एंट्री करके ताजमहल जाना पड़ता है। इनके पत्थर पर भी आप लोग देख सकते हो खूबसूरत खूबसूरत कलाकारी किया गया है। उस ज़माने में कारीगर कुछ भी चीज़ बनाती थी तो कलाकारी के ऊपर विशेष ध्यान दिया करते थे, इसलिए जो कोई भी इसकी कलाकारी को देखते हैं तो आकर्षित हो जाता है। बहुत आश्चर्य की बात है कि क्या कोई किसी को इतना भी मोहब्बत कर सकता है कि उसकी याद में ताजमहल बनवा दे। लेकिन ये सही बात है, शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया, जिसे दुनिया का 7वां अजूबा के नाम से जानी जाती है। और इसलिए जो पर्यटक है पूरी दुनिया से इस जगह को देखने के लिए आते हैं।
सच में ये जगह एक अजूबा है। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे, अपने आँखों से देखेंगे तो आपको ये एक अजूबा ही नज़र आएगा, जो ये पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर पत्थरों द्वारा निर्मित ताजमहल है। इस जगह को सेल्फी पॉइंट के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग फोटो क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ताजमहल है एकदम सेंटर से दिखता है। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा लोग फोटो खींच रहा है। ताजमहल के सामने जो पेड़ है, एक ज़माने में ये जो पेड़ है बहुत बड़ा बड़ा था, तो अभी इसे काट के छोटा छोटा कर दिया गई है, ताकि जो ताजमहल है दूर से अच्छे से दिखाई दे। मेरे ज़िंदगी का सबसे स्पेशल वीडियो है ये, जो मैं इतना नज़दीक से ताजमहल को देख पा रही हूँ। ताजमहल के एक साइड में मेहमान खाना बनाया गया है, एक साइड में मस्जिद और बीच में ताजमहल है। इस ताजमहल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आप जिस भी एंगल से इसे देखोगी तो ये एक जैसा ही नज़र आएगा। बनाने वाले कारीगर ने भी क्या खूब बनाया है। मैं सैल्यूट करती हूँ उनकी कलाकारी को, कि पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। इसी के अंदर शाहजहां और मुमताज़ का कब्र है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर दिखा नहीं पाऊँगी। एकदम जमुना नदी के पास है ये ताजमहल, तो आइए आप लोगों को जमुना नदी भी दिखाती हूँ। यही है जमुना नदी। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, धूप की वजह से जितना भी थकान हो रही थी सब ख़त्म हो गई है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आके ताजमहल देखिए। धूप की वजह से मेरी दोनों बच्चियाँ बहुत परेशान थी, लेकिन ऊपर आते ही जमुना नदी का जो ठंडी ठंडी हवा है, वो हवा खाने के बाद दोनों इतना खुश हो गए। देखिए कितना दौड़ भाग कर रही है। तो आज का ये दिन मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाली हूँ। अभी हम जमुना नदी और ताजमहल के बीच में से जो रास्ता है उसी से नीचे जाऊँगी, क्योंकि पूरा ताजमहल घूम के हो गई है। और अभी हम लोग आके सही गेट पहुंच गई हूँ,
और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जाते टाइम आप लोग कार से ही जाइए, क्योंकि पूरा ताजमहल घूमने के बाद बहुत थकान महसूस होती है, तो कार से जाने में ही आप लोगों के लिए सही होगी। तो अभी हम ताजमहल के गेट के बाहर जा रही हूँ, और अभी पैदल नहीं जा रही हूँ, गाड़ी में ही जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे घूम घूम के बहुत थक गई है। मुझे ताजमहल देख के बहुत खुशी हुई, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग देख के आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।